बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी टिकट के साथ महिला पकड़ाई गई है। राजा भोज एयरपोर्ट का ये पूरा मामला है। फर्जी टिकट से सफर करना चाहती थी महिला, चेकिंग के दौरान फर्जी टिकट उजागर हुआ। टिकट में डेट चेंज कर करना चाहती थी सफर, और भोपाल के बेंगलुरु की यात्रा करना चाहती थी महिला। इंडिगो एयर की फ्लाइट से बेंगलुरु जाना चाहती थी महिला। इंडिगो एयर की फ्लाइट सुबह 9:30 बजे रवाना होती है बेंगलुरु के लिए। भोपाल से सीआईएसएफ की टीम महिला को लेकर थाने पहुंची है। गांधीनगर थाने में महिला से पूछताछ की जा रही है। टिकट में छेड़खानी का ये पूरा मामला है, और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ स्वराज विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, पूछताछ की जा रही है महिला से, क्या खुलासे हो पाए हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है, जिसमें इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलोर जो महिला जाना चाहती थी बताया जा रहा है, लेकिन बोर्डिंग पास करते समय महिला को वहां रोक दिया गया, और सीआई से स्थल ने जब इसकी टिकट की जांच करी तो किसी बैक डेट की वो टिकट निकली है। तो अब इससे महिला से जो है पूछताछ की जा रही है कि आखिरी टिकट, पुराना टिकट लेकर क्यों सफर करना चाहती थी। और बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट पर सीआई से अपने तत्काल इस महिला को गांधीनगर थाने लेकर पहुंची, और अब उस महिला से एक बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये महिला कहाँ जाना चाहती थी। और कैसे अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, इसमें ये महिला का कहना था कि मुझे जानकारी नहीं था कि पुरानी डेट का टिकट है और इसलिए वो यात्रा करना चाहती थी। लेकिन अब पूछताछ के बाद ही और भी कुछ खुलासे हो सकते हैं, सब देखने वाली बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक।